अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज के एक्शन सीन्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन एक्शन सीन्स को बनाने के लिए एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सुपरहिट मूवीज के बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा। KGF 2 की बात की जाए तो ये 2022 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी में से एक है। दोस्तों, ये मूवी कर्नाटक से कुछ किलोमीटर फासले पर मौजूद ऐसी जगह पे बनाई गई थी जहां किसी जमाने में असली सोने की कानें मौजूद होती थी। और दोस्तों, इस मूवी में जो गोल्ड माइंस खाई गई हैं, उन्हें VFX की मदद से बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, इन्हें इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि इन माइंस को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये नकली हैं। और दोस्तों, इन माइंस में काम करने के लिए 800 से ज्यादा वर्कर्स को हायर किया गया था। दोस्तों, वैसे तो दूसरी मूवीज में डायरेक्टर चंद लोगों को कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं, वहाँ KGF के डायरेक्टर्स ने एक साथ ही 800 बंदे हायर कर लिए। और दोस्तों, ये बात आपको जान के हैरानगी होगी कि इस मूवी में 150 कैमरों से भी ज्यादा का इस्तेमाल किया गया। खास तौर पर फाइट सीन को शूट करने के लिए बहुत ज्यादा कैमरे यूज किए जाते थे ताकि फाइट सीन्स को रियल लुक दी जा सके और फाइट सीन को हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा सके। और दोस्तों, इस मूवी में जो संजय दत्त को कॉस्ट्यूम बनाया जाता था उसका वजन 25 किलो से भी ज्यादा था और शूटिंग के दौरान पूरा टाइम ही इन्हें जी कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता था और इसमें संजय दत्त को काफी मुश्किल पेश आती थी। इसके अलावा दोस्तों, हीरो क्लाइमेक्स में मिनिस्टर को मारने के लिए आता है। दोस्तों, इस सीन को भी VFX की मदद से नहीं बनाया गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस सीन को रियल लोकेशन पर ही शूट किया जा रहा है। और दोस्तों, इस सीन में यूज होने वाले सारे हथियार भी असली हैं। और दोस्तों, इस सीन में दिखाई जाने वाली पुराने जमाने की जीप्स भी असली हैं। और दोस्तों, इसे रियल लुक देने के लिए गोल्ड फील्ड को रियल दिखाने के लिए स्मोक का इस्तेमाल किया गया ताकि देखने वाले को लगे कि ये माइंस बिल्कुल रियल हैं और इनमें काम भी हो रहा है। दोस्तों, इस सीन को बनाने के लिए रियल ब्लैक स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया था ताकि धुआं ब्लैक और बिल्कुल असली लगे। दोस्तों, ये सीन सच में कमाल था। उसके बाद दोस्तों, बागी 3। दोस्तों, अगर आप एक्शन मूवी देखना पसंद करते हैं तो आपने टाइगर श्रॉफ की बागी 3 मूवी जरूर देखी होगी। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का भाई जो एक ऑफिसर होता है, इसे क्रिमिनल किडनैप करके ले जाते हैं और ये अपने भाई को उन क्रिमिनल से आजाद करवाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे सीन CGI की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन जिसमें रोनी वायर की मदद से गाड़ी को ब्लास्ट करता है वो सीन रियल बनाया गया है। दोस्तों, इस सीन में गाड़ी को रियल ब्लास्ट किया गया था। दोस्तों, जब ये गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी तो इसके पार्ट्स को वर्कर ने हीरो की तरफ फेंकना शुरू कर दिया ताकि इस सीन को रियल लुक दी जा सके। और दोस्तों, उसके बाद ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे मुंबई के जंकार्ड यार्ड में शूट किया गया था। और दोस्तों, इन सीन में मजे की बात ये थी कि ये सारे सीन बिल्कुल रियल हैं। दोस्तों, इन सीन की शूटिंग में टाइगर को काफी ज्यादा चोटें भी आई थी। और दोस्तों, इस मूवी के कुछ पार्ट सर्बिया में भी रिकॉर्ड किए गए थे। और दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर भी उस दिनों में -15 डिग्री था। और दोस्तों, इतनी ठंड में टाइगर को बगैर शर्ट के शूटिंग करनी पड़ती थी। और दोस्तों, इस सीन में बैकग्राउंड में धूल और आंधी दिखाने के लिए बड़े बड़े पंखे इस्तेमाल किए गए और हीरो को उन पंखों के आगे खड़ा कर दिया गया। और दोस्तों, ये जो टैंक वाले सीन शूट किए गए थे और वो सारे टैंक आर्मी के असली टैंक थे। इन टैंक्स को आर्मी के सुपरविजन के अंदर बहुत एहतियात से यूज किया गया था। दोस्तों, टाइगर को शूटिंग के दौरान एक सीन में इस टैंक के नीचे से गुजारा जाता है और इस सीन को रिकॉर्ड करते हुए टाइगर ने शर्ट तक नहीं पहनी होती, जिसकी वजह से टाइगर को कुछ चोटें भी लग गई थी। और दोस्तों, इस सीन में हेलीकॉप्टर से जितने भी ब्लास्ट किए गए थे वो भी सारे रियल थे। और दोस्तों, ये एक्सप्लोजन इतने खतरनाक थे कि अगर इनमें से एक भी टाइगर को लग जाता तो हीरो को वहीं कचरा हो जाना था। दोस्तों, इतनी ज्यादा मेहनत करने की वजह से इस मूवी ने 135 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो बात दोस्तों, आपने शाहरुख खान की मूवी दिलवाले तो जरूर देखी होगी। दोस्तों, इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। और दोस्तों, इसमें मजे की बात ये है कि इसमें ज्यादातर फाइटिंग सीन जो बनाए गए हैं वो सारे असली हैं और इनमें जरा भी एडिटिंग नहीं की गई। दोस्तों, खास तौर पर अगर कार के स्टंट सीन की बात की जाए तो इसके लिए फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अफ्रीका और बल्जेरिया से प्रो लेवल के कार स्टंट हायर किए थे ताकि वो इन सीन को रियल लुक दे सकें। दोस्तों, इस मूवी में एक या दो सीन ऐसे हैं जिनमें शाहरुख खान आपको कार में बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि रियल में इनकी जगह स्टंट मैन ने परफॉर्म किया है। इवन दोस्तों, इस कार में जो फायरिंग हो रही है और जो ब्लास्ट दिखाए गए हैं वो सारे के सारे रियल हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सीन इतने खतरनाक थे कि शूटिंग स्पॉट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी हायर की गई थी ताकि अगर शूटिंग दौरान कोई हादसा हो जाए तो लोगों को बचाया जा सके। यहाँ तक कि एक्शन सीन के दौरान जब एक गाड़ी ने हवा में जंप किया तो वो सीधा नीचे आने के बजाय हवा में ही उलट गई थी और नीचे सेफ्टी के लिए रखे गए कार्टन के अंदर गिर गई थी। और दोस्तों, उस वक्त इस कार के अंदर स्टंट मैन भी मौजूद था और गाड़ी की हालत भी काफी खराब हो गई थी। दोस्तों, इसे बाहर निकालना उस वक्त काफी मुश्किल हो रहा था और रेस्क्यू टीम ने बहुत मुश्किल से बाहर निकाल लिया था और इस बंदे की जान बच गई थी। और दोस्तों, एक फाइटिंग सीन में शाहरुख खान ने एक गुंडे के सर पे इतना जोर से मार दिया था कि उसके दिमाग पर चोट लग गई थी। और दोस्तों, उसे इतनी
ज्यादा चोट लग गई थी कि वो 1.5 साल तक एक्टिंग नहीं कर सका। और एक और सीन के दौरान होल्डिंग टेबल टूटने की वजह से एक गुंडा और भी शदीद जख्मी हो गया था। लेकिन दोस्तों इन मूवीज में स्टंटमैन बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।